भगवान ने कहा कि यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधी कलत्रादिशु भौम इज्जधि यतीर्थ बुद्धि सलिलिने कहचित जनेश्व भिज्ञेश सैव गुखरा। ये भगवान ने कहा 80वें अध्याय में दशम स्कंध में। सब ऋषि महर्षि आए थे, सूर्य ग्रहण पड़ा था, वहां पर सब ब्रजवासी भी गए थे और उधर से द्वारका का परकर भी आया था, सब ऋषि महर्षि भी आए थे। तो भगवान ने कहा वहां पर कि सच में ये तीर्थ वीर्थ स्नान करना, यहां जाना वहां जाना, वहां यहां तक कि मूर्ति पूजा तक वो कही जाए, यहां चलो दर्शन करो, वहां चलो परिक्रमा करो, ये करो, ये सब गोखर गधे लोग करते हैं। और बात बहुत कड़ी भी है, बहुत लोगों को बुरी लगती है, लेकिन लगो। अब वो दिन रात पुजारी मूर्ति पूजा करता है मंदिर में और उसके एक पैसा तृष्णा नहीं घटती, बढ़ती जाती है, भोगी होता जाता है। तो भगवान ने गलत थोड़ी कहा, यस्य आत्मबुद्धि शरीर में जिसकी आत्मबुद्धि है, कुणपे त्रिधातु के स्वधी कलत्रादिशु स्त्री पुत्रादि में ममता है, भौम इज्जधि मूर्ति आदि में उसकी पूज बुद्धि है, या तीर्थ बुद्धि चलो वहां स्नान करें, वहां जाएं, वहां दौड़ें, जनेषु अभग्येषु भगवत भक्तों में सत्संग में अगर उसकी बुद्धि नहीं है तो ये गधे लोग हैं, सब गधे हैं, इतना कड़ा शब्द था। तो भले ही वो चिढ़ ले आदमी, चिढ़ जाए, लेकिन वो व्यास जी ने भी कहा है कि धन मंदिर को धन मेवा को मंदिर सेवत। मंदिर क्यों रहता है आदमी? माल चाल छकने के लिए, भोग मिलता है, लड्डू कड़ी है। धन मंदिर को मेवा सेवत करत कोठरी विषय रसे, और वहां मंदिर में कोठरी में भीतर विषय करता है, माल छकेगा तो क्या करेगा, कहा भयो वृंदावन बसे। तो ये सब क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि वस्तुतः तत्व ज्ञान की प्राप्ति सत्संग से ही होती है, उससे फिर उसके कर्म जल जाते हैं। अब कर्म हमको तुमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन अच्छे विचार आए मन में, ज्ञानाग्नि जली जब विचार आए, कम से कम जितनी देर सत्संग सुनता है आदमी उतनी देर तो सोचता ही है, हाँ ये सत है, ये असत है, ये है वो है, यही है ज्ञानाग्नि। तो ज्ञानाग्नि आदमी के अनेक कर्मों को जलाती रहती है, सर्व कर्माणि सब कर्मों को जलाती रहती है, वो हमको तुमको पता नहीं पड़ता। यथई दानसी समिक धोग्री भस्मसात कुर्तिर्जुन, 37वां है ना चौथे का। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञानाग्नि ही उसके सब कर्मों को जला देती है, वो ज्ञान सत्संग से सहज मिल जाता है, इसलिए इसके मोक्ष से भी बड़ा बताया गया। और तात स्वर्ग अपवर्ग धरी तुलायक संग तुल तनताई सकल मिग जो सुख लव सत्संग, मोक्ष से भी बड़ा बता दिया इसको। यहां तक कि कहीं कहीं भगवान से बड़ा, भगवान से बड़ा बताया गया कि जितने भी तीर्थ दर्शन परिक्रमा इन सब से बड़ा बता दिया गया। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।